हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है चुड़ैल के सोने के पेड़ की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं चुड़ैल के सोने के पेड़ की कहानी। भैरवगढ़ नाम के राज्य में सोना और विनीता नाम की दो सहेलियां रहती थी। वो दोनों अनाथ थी। दोनों मछलियां पकड़कर उन्हें बेचने का काम करती थी। पर एक दिन हमारे गांव की नदी में बहुत कम मछलियां बची है। सारा दिन मेहनत करने के बाद भी हमें थोड़ी सी मछलियां मिलती हैं। मैंने सुना है पास वाले जंगल में एक बहुत बड़ा तालाब है, हमें वहां जाकर मछलियां पकड़नी चाहिए। अगर ऐसी बात है तो आज हम जंगल के तालाब से मछलियां पकड़ेंगे। फिर वो दोनों जंगल में जाकर तालाब को ढूंढने लगते हैं, लेकिन काफी देर भटकने के बाद आखिरकार उन्हें जंगल का तालाब दिखाई देता है। उस तालाब का आकार देख दोनों सहेलियां खुश हो जाती हैं। लेकिन तालाब के नजदीक जाते ही उन्हें तालाब के बीचों बीच एक चमकदार सोने का पेड़ दिखाई देता है। अरे ये सोने का पेड़ तो बहुत ही चमकदार है, लगता है ये सोने का है। हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, हमें इस पेड़ को अपने साथ ले जाना चाहिए, इससे बेचकर हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। फिर वो दोनों सहेलियां तालाब में कूदकर तैरती हुई पेड़ के पास पहुंच जाती हैं। उसके बाद दोनों अपनी अपनी कमर पर रस्सी का एक सिरा बांध देती हैं, दूसरा सिरा पेड़ के ऊपर बांध देती हैं और तैरती हुई उसे किनारे तक ले आती हैं। उसके बाद वो दोनों इस पेड़ को अपने कंधों पर उठाकर अपने घर ले जाती हैं और आंगन में रख देती हैं। कल सुबह होते ही हम इस पेड़ की ढालियां काटकर बाजार में बेच देंगे, लेकिन गांव वालों को पता ना चले इसीलिए इसे ढक कर रखना होगा। फिर विनीता एक काला कपड़ा उस पेड़ के ऊपर ढक देती है और दोनों घर के अंदर चली जाती हैं। लेकिन रात होते ही वो काला कपड़ा अपने आप हवा में उड़कर गिर जाता है और उस पेड़ के अंदर से एक चुड़ैल बाहर निकल आती है। फिर वो चुड़ैल गाँव में भटकने लगती है। तभी उसे कुछ लोग घर के बाहर सोए हुए दिखाई देते हैं। चुड़ैल अपनी तलवार से उन सभी लोगों के सर काट लेती है। इस तरह देखते ही देखते रात भर में चुड़ैल बहुत सारे गांव वालों के सर काटकर उन्हें जान से मार देती है। अगली सुबह जब सोनिया और विनीता सोकर उठती है तो उन्हें सोने के पेड़ के ऊपर बहुत सारे लोगों के कटे हुए सर झूलते हुए दिखाई देते हैं। ये देख दोनों के होश उड़ जाते हैं। तभी उनके सामने चुड़ैल प्रकट हो जाती है। तुम दोनों ने लालच में आकर मेरे सोने के पेड़ को चुराने की गलती की है, इसीलिए अब सजा के तौर पर मैं तुम्हारे गांव के एक एक इंसान को जान से मार दूंगी। नहीं नहीं चुड़ैल जी, ऐसा मत करिए, हमसे गलती हो गई, आप अपना सोने का पेड़ लेकर यहाँ से चली जाइए। मैं एक जालिम चुड़ैल हूँ, एक बार जो फैसला कर लेती हूँ उसे पूरा करके ही दम लेती हूँ। चलो अब अपने गांव के लोगों को मरते हुए देखने के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। इस चुड़ैल ने सच कहा, लालच में आकर हमने बहुत बड़ी भूल की है, हमें ये सोने का पेड़ यहाँ नहीं लाना चाहिए था। इस चुड़ैल ने एक ही रात में बहुत सारे लोगों की जान ली है, दो चार दिन में तो ये गांव के सभी लोगों को मार कर इस गांव को वीरान में बदल देगी। तुम ठीक कहती हो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन ये चुड़ैल बहुत सिद्धी है, ये लोगों को मार कर ही दम लेगी। चुड़ैल से निपटने के लिए हमें फौरन हमारी रानी के पास जाना होगा। रानी होने के साथ साथ वो एक बहुत बड़ी जादूगरनी भी हैं। अब वही चुड़ैल को सबक सिखा सकती हैं। फिर वो दोनों सहेलियां राजमहल में पहुंच जाती हैं और रानी को सारी बात बता देती हैं। तुम दोनों के लालच की वजह से गांव वालों की जान पर बनाई है। हम अपनी गलती मानते हैं रानी जी, आप हमें जो भी सजा देंगी हमें मंजूर है, लेकिन सबसे पहले आप हमारे गाँव वालों को बचाइए। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं उस चुड़ैल से निपट लूंगी। उसके बाद रानी सोनिया और विनीता के साथ सोने के पेड़ के पास पहुंच जाती है। ये कोई मामूली सोने का पेड़ नहीं है, ये उस चुड़ैल का घर है। साथ ही चुड़ैल को इससे सारी शक्तियां मिलती है, इस पेड़ के नष्ट होते ही चुड़ैल का भी खात्मा हो जाएगा।
लेकिन तभी अचानक वहां चुड़ैल प्रकट हो जाती है। चुड़ैल के एक हाथ में बहुत सारे इंसानों के कटे हुए सर थे और दूसरे हाथ में खून से लथपथ तलवार थी। देख चुड़ैल, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो इसी वक्त यहाँ से भाग जा, वरना मैं तुझे खत्म कर दूंगी। अच्छा, तो ये दोनों लड़कियां गांव वालों को बचाने के लिए तुझे यहाँ लेकर आई हैं, लेकिन ये लोगों को बचाने नहीं बल्कि खुद मरने आई हैं। चल, सबसे पहले मैं तुझे ही रास्ते से हटाती हूँ। इतना कहकर चुड़ैल रानी को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी रानी अपनी शक्ति से सोने के पेड़ के ऊपर जादुई बर्फ की बारिश कर देती है, जिस वजह से सोने का पेड़ पिघलने लगता है। दूसरी तरफ चुड़ैल के बालों में भी आग लग जाती है। अरे नहीं, ये तूने क्या कर दिया, मैं तुझसे विनती करती हूँ जल्दी से इस जादुई बर्फ की बारिश को रोक दे, वरना मैं मर जाऊंगी। मैंने तुझे पहले ही समझाया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। फिर देखते ही देखते वो पेड़ पूरी तरह पिघल जाता है और साथ ही चुड़ैल का शरीर भी जलकर राख हो जाता है। इस तरह उस बेरहम चुड़ैल का अंत हो जाता है। उस दिन के बाद से सोनिया और विनीता जिंदगी में दोबारा कभी लालच नहीं करती। तो आपने देखा दोस्तों, चुड़ैल के सोने के पेड़ की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें कभी भी लालच में आकर किसी भी अनजान चीज को उठाकर अपने घर नहीं लानी चाहिए, वरना हम बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।